तो दोस्तों, अगर आप Redmi, Poco, Xiaomi का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो आपके डिवाइस में एक फीचर देखने को मिलता है ग्लेंस फॉर मी का, और लॉक स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आपको काफी सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसको आप यहां पे प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे गेम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब होता है क्या दोस्तों कि कोई भी बंदा अगर ग्लेंस फॉर मी वाले फीचर को यूज करेगा तो डेली आपका 1 GB से लेकर 1.5 GB डाटा यहाँ पे वेस्ट चला जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि मोबाइल भी काफी हैंग होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ग्लेंस फॉर मी वाला जो फीचर आपके मोबाइल में दिख रहा है उसको कैसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं परमानेंटली, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, मोबाइल को ऑन कर लेता हूं। मोबाइल को ऑन करने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन में जाऊंगा, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद अगर आप यहां पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन वाला जो ऑप्शन मिला इस पे मैं अगर क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद आप नीचे में देखिएगा आपको ग्लेंस फॉर मी वाला फीचर देखने को मिलेगा। इस पे मैं यहां पे टैप कर देता हूं। अभी आप यहां पे देख सकते हैं ये फीचर यहां पे ऑन किया हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आपको यहां पे ऑफ कर देना है। जब दोस्तों आप इसको यहां पे ऑफ कर दीजिएगा तो ऑफ करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में आपको ग्लेंस फॉर मी वाला जो फीचर है वो अब आपको यहां पे शो नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है एप्स वाले ऑप्शन में, ये देख सकते हैं एप्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा। एप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज एप्स में, और मैनेज एप्स में जाने के बाद अगर दोस्तों आप यहां पे लिखते हैं ग्लेंस, देखिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, जैसे अगर आप यहां पे लिखिएगा ग्लेंस तो आपको यहां पे कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है वॉलपेपर, आपको यहां पे लिखना है वॉलपेपर। वॉलपेपर लिखेगा तो देखिए एक आपको यहां पे वॉलपेपर कैरोसेल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ये एप्लीकेशन यहां से अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं अब आपको यहां पे दिखा देता हूं, जैसे यहां से बैक हो जाता हूं और सेटिंग में जाऊंगा, और सेटिंग में जाने के बाद अगर मैं यहां पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाता हूं, और इसमें जाने के बाद अब आप यहां पे देख सकते हैं ग्लेंस फॉर मी वाला जो फीचर है वो आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा।